एम कॉम प्रीवियस ABST के इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको जो है डिफरेंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो है इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स यानी रेज करने के लिए, पूंजी रेज करने के लिए किस प्रकार से जो है ज़्यादातर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस प्रकार से बॉन्ड और डिबेंचर्स इशू करके अमाउंट लेते हैं, कैपिटल अपनी जो है क्रिएट करते हैं, और ये सब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है रूल्स के अंतर्गत गवर्न होता है। तो इसमें तरीके अलग अलग हैं इसके लेने के, करेंसी आपको मैंने कल बताया था, इसके बाद में जो है लिमिटेशंस एंड इंटरेस्ट रेट्स इसकी कैसे होती है क्या होती है ये आपको समझाया था मैंने, व्हाट इज़ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऋण किस प्रकार से लेकर के इंस्ट्रूमेंट कैसे इशू किए जाते हैं, ये क्यों होते हैं इस प्रकार से डेप्ट कैसे की जाते हैं, ये हमने जो है इसमें अच्छे से समझा कि कैसे लोन्स और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है एसेट्स और बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ के रूप में हम इनको जारी करते हैं। तो फिक्स्ड इनकम एसेट्स हमने देखी थी कल, और इसके बाद में हमने बॉन्ड्स देखे और डिबेंचर्स देखे। तो ये लंबा था इसलिए आज हम इसी का पार्ट सेकेंड ले रहे हैं परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का, जिसके अंतर्गत अदर टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हम आज हम देख रहे हैं। तो बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो ये अलग अलग इशू करती है उनमें एक मॉर्गेज होता है। मॉर्गेज का मतलब होता है बच्चों कि आप किसी एसेट को गिरवी रखते हैं और उसके बदले में जो है आप लोन लेते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है फाइनेंस करता है आपको परचेज, ज़्यादातर रियल एस्टेट में होता है। जैसे बैंक से आपने जो है लोन लिया तो बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास मॉर्गेज करता है ना। तो इस प्रकार से जो है बोरोअर के पास में आपकी जो है लोन लेने से कैपेसिटी को कवर करते हुए आपकी जो है लंबा लोन होता है या बड़ी राशि का लोन होता है तो उसके पीछे सिक्योरिटी कोई ना कोई रखी जाती है। लेंडर्स ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। जो लेंडर होता है जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको लोन देती है तो उसके बदले में वो उनके पेपर्स आपके जो है लाइफ टाइम तक के लिए रख लेती हैं। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज रिड्यूस्ड फॉर द लेंडर बिकॉज मॉर्गेज आर कोलेटराइज्ड बाय द रियल एस्टेट। जैसे आपने मकान पे लोन लिया तो मकान आपका फ्लैट है जो उसके कागज पूरे मॉर्गेज हो जाते हैं और वो बैंक के पास रहते हैं, तो फिर आपका जो है बैंक का लेंडर की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर वो आदमी लोन नहीं देता है पे कर बैंक को राइट है कि उनकी जो है एसेट को सेल करके अपने पैसा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉर्गेज कहलाता है, ये भी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉर्गेज करना। इसी तरह से लोन्स हैं, लोन्स आप बहुत ही सिंपल सी बात है, लोन आर पॉसिबली मोस्ट इजीली अंडरस्टूड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है ये, जो ज़्यादातर लोन को यूज़ करता है कि जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंडिविजुअल भी जो है लोन दे सकता है, ज़्यादातर परचेज ऑफ व्हीकल के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए या किसी अन्य पर्पज़ के लिए इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। अंडर द टर्म्स ऑफ सिंपल लोन द परचेजर इज अलाउड टू बोरो ए गिवन सम फ्रॉम द लेंडर इन एक्सचेंज फॉर रिपेमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। द परचेजर्स एग्री टू रिपे द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन प्लस ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द प्रिविलेज। प्रिविलेज पीरियड में जो लेंडर परचेजर होता है वो उस प्रॉपर्टी का या एसेट का, वो उसके साथ साथ जो है उसको इंटरेस्ट भी देने के लिए एग्री होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट तैयार हो जाता है और इस प्रकार से उसकी शर्तों के अंतर्गत आपको पेमेंट करना होता है। इसी तरह से लाइन्स ऑफ क्रेडिट है LOC, लाइन्स ऑफ क्रेडिट जो होता है इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कार्ड अमाउंट लिमिट होती है जिसकी डेबिटर्स कार्ड्स जो है ये जो है रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है विद बैंक और अदर क्रेडिट स्कोर पे, यानी आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके आधार पर आपको जो लिमिट इसकी दी जाती है क्रेडिट कार्ड की कि आप कितना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपने बैंक से जो है पैसा आपका अकाउंट में है नहीं लेकिन आपको बैंक निकालने दे रही है, आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो आपको जैसे उसके लिए बैंक फैसिलिटी देती है कि आप उसको जो है बिना आपके अकाउंट में पैसे होते ले सकते हैं, लेकिन उस पर आपको ब्याज देना होता है और टाइमली फिर उसे जो है पे भी करना होता है। तो इस तरह से इसको दिखाया जाता है LOC, लाइन्स ऑफ क्रेडिट है ना। तो आप उसको यूज़ करते हैं डेप्ट को, फर्नीचर खरीद रहे हैं और फिर उसको जो है आप अमाउंट को जो है उसे किश्तों में पे करते जाते हैं। तो ये तरीका जो है LOC का रहता है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड भी इसी तरह की सेम इसकी क्रेडिट लिमिट डिसाइडेड है कंटिन्यूसली ओवर टाइम जो है इसको पे किया जाता है ना। दे कैन पे द बैलेंस इन फुल ईच अमाउंट एंड अवॉइड पेइंग एनी इंटरेस्ट चार्जेस है ना। दो ऑप्शन है कि आप या तो पूरा अमाउंट एक्स्ट्रा दे दें और या फिर जो है उस पर ब्याज नहीं दें, और दूसरा ये था कि आप उसे मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, आपकी EMI बना दीजिए और उस पर आप जो है पेमेंट करना शुरू कर दें। तो ये क्रेडिट कार्ड्स में होगा। बॉटम लाइन में क्या होगा बच्चों? बॉटम लाइन का मतलब है कि आप जो है इसमें डेप्ट इंस्ट्रूमेंट अलाउ द इशूअर टू रेज ए कैपिटल फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। दे ऑफन कम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड एंड डिबेंचर्स है, और दूसरे तरीके से जाता है इशू देम इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। इन बोथ केसेस द बोरोअर्स एग्री टू रिपे द लेंडर्स द प्रिंसिपल बैलेंस प्लस एनी इंटरेस्ट ऑन दैट डेट। उस डेट तक का इंटरेस्ट जो होता है उस पर पे किया जाता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने पास में डिफरेंट टाइप के जो है। ये मतलब क्या है कि देखिए
पैसा लेने का तरीका क्या है, मार्केट से एक तो आप कैपिटल इशू करें और दूसरा डेप्ट इशू करें आप। तो डेप्ट इशू ज़्यादातर कौन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करती हैं, बैंक्स करती हैं, और वो जो है इसके थ्रू जो है पैसा लेती हैं। बैंक्स करेंसी इशू कर रही हैं अपनी जो है लिमिटेशन इंटरेस्ट रेट्स की अपनी डिसाइड करके, उसके बाद में जो है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इशू कर रही हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू कर रही हैं बैंक्स, और इसी टाइप से जो डिफरेंट मॉर्गेज की भी संपत्तियाँ हैं, लोन है, और इसी तरह से लाइन्स ऑफ क्रेडिट है ना, इसमें क्या होता है स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट जो होती है जिसपे कि बैंक और इसकी क्रेडिट स्कोर पे उसको डिपेंड करता है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड्स है बॉटम लाइन, तो ये हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से जो है डिफरेंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को बैंक और जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए।